गुलेरिया पुलिस ने पुलिस टीम पर पथराव करने वाले 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर 6 अभियुक्तों को बड़ी जमुनिया तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान सूरज चौहान पुत्र रामनयन चौहान निवासी ग्राम तिकोनिया नंबर 2 रेंज चौकी जंगल धूषण थाना पिपराय जनपद गोरखपुर, दूसरा राजू चौहान पुत्र सोभी निवासी खुटहन खास दमकी टोला थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर, तीसरा मुकेश चौहान पुत्र सोभी चौहान निवासी खुटहन खास दमकी टोला थाना गुलहरिया जनपद गोरखपुर, चौथा राज पुत्र इब्राहिम निवासी ग्राम केवनहरा थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर, पांचवा विशाल पुत्र इब्राहिम निवासी ग्राम केवनहरा थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर, छठवा रमजान अंसारी पुत्र सुजायत अली निवासी ग्राम तलवा मुरलीधर थाना तरिया सुजान जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है, जिनके पास से एक पिस्टल 2 जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि 3 जनवरी की रात्रि करीब 12:30 बजे सब कमांडर महिला कांस्टेबल चंद्रकला कन्नौजिया एवं महिला कांस्टेबल वंदना और चालक होमगार्ड राधेश्याम तिवारी के साथ रात्रि ड्यूटी में थे कि एक पिकअप की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी संदिग्ध होने पर पुलिस द्वारा हूटर सायरन का प्रयोग करते हुए गाड़ी से उतरकर पिकअप के पास जाकर चेक करने का प्रयास किया गया कि अचानक उक्त पिकअप गाड़ी से 4 की संख्या में व्यक्ति उतरे और जान माल की धमकी देते हुए जान से मारने की नियत से पथराव करते हुए अंधाधुंध फायरिंग करने लगे। वहीं पुलिस वाले अपनी जान माल की सुरक्षा करते हुए गाड़ी से दूर हट गए तथा अज्ञात बदमाशों द्वारा गाड़ी के अंदर घुसकर गाड़ी में से रखा मोबाइल 600 रुपये नकद कार के डैशबोर्ड से लूटकर गाली गलौज देते हुए उक्त पिकअप लेकर भाग गए तथा पथराव के कारण गाड़ी काफी क्षतिग्रस्त हो गई थी। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हमारा एक लंबा गिरोह है, हम लोग कई टुकड़ों में बंटकर अपने साथियों को बदल बदल कर पिकअप गाड़ी से ले जाकर छुट्टा जानवरों को लादकर बिहार में माधोपुर ले जाकर इकट्ठा करते हैं, उसके बाद ट्रक में लादकर पश्चिम बंगाल ले जाते हैं तथा इस पूरे घटनाक्रम में हम लोगों के रिश्तेदार दोस्त जमींदार सभी शामिल हैं और जानवरों को बेचने के बाद जो धन प्राप्त होता है उसको हम लोग खर्च करने के बाद जो बचता है आपस में बांट लेते हैं। उन्होंने बताया कि अभियुक्तों के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में गुलहरिया थाना प्रभारी अमित कुमार दुबे, स्वाट टीम निरीक्षक प्रदीप कुमार शर्मा, सर्विलांस प्रभारी उप निरीक्षक धीरेन्द्र राय, उप निरीक्षक विजय शंकर यादव, अमित राय, हेड कांस्टेबल अनिल कुमार, कांस्टेबल दीपू, शिव ओम शुक्ला, संदीप यादव, महिला कांस्टेबल पूजा कुमारी, मानसी तिवारी, नेहा सिंह, कांस्टेबल सूरज गुप्ता, अमित कुमार, हेड कांस्टेबल विनोद सिंह, स्वाट टीम कांस्टेबल अरुण खरवार, करुणापति तिवारी, दुर्गेश मिश्रा, अशोक यादव, चालक मुकेश यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, सर गाड़ी किसकी लेके जाते थे ये बताएं? मिंटू अली की, वहीं से ले लेते हैं या कुछ ही नगर से, इसकी भी गाड़ी है। जो पकड़ता है, जो पकड़ा जाता है वो दूसरे का नाम लेता है। नहीं, ये कम करदार जो है ये दिनांक 3 तारीख को एक PRV की गाड़ी पे कुछ पस्त तस्करों ने हमला किया था और कुछ कैश वगैरह लूट लिए थे। ठोकर भी PRV गाड़ी को मारी थी। उस संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा ये पस्त तस्करों के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसमें थाना कैंट से एक शेर मोहम्मद नाम का 25,000 का इनामी पस्त तस्कर है, उसकी गिरफ्तारी की गई तथा जो गुलरिया में 3 जनवरी को पंजीकृत हुआ था मुकदमा, उसमें 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई, जिसमें सूरज चौहान उसका सरगना है। इसके अलावा राजू चौहान, मुकेश चौहान, राजपुत्र इब्राहिम, विशाल पुत्र इब्राहिम और रमजान अंसारी, इनकी गिरफ्तारी की गई है। सर क्या बरामद हुआ इनके पास? इनके पास से एक 315 बोर का तमंचा बरामद हुआ है और 2 कारतूस बरामद हुआ। अभी जो इनका विशाल गैंग है, बड़ा गैंग है, जिसमें कई लोग छोटे छोटे टुकड़ों में काम करते हैं। अभी जो इस समय गैंग पकड़ा गया है, इसमें सूरज चौहान इसका सरगना है और इसके अतिरिक्त कुछ नाम इन्होंने बताए हैं
उन पे हम लोग गिरफ्तारी का प्रयास कर रहे हैं। ये इनका कहना है कि सप्ताह में एक दो चक्कर ये जरूर लगाते हैं और कुल मिला के 20-25 घटनाएं ये लोग अंजाम दे चुके हैं। ये कुशीनगर से बताते हैं कि कुशीनगर के रूट से होकर के ये माधोगढ़ बिहार में ले जाते हैं, माधोगंज बिहार ले जाते हैं और वहाँ से पश्चिम बंगाल सप्लाई होती है।